वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा स्वागत कर रही हूँ आपका बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने द्रव अवस्था क्या होती है, उसे हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं और उसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं द्रवों के लिए, वो हमने पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, मतलब कि द्रव क्रिस्टल। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों हमें कि द्रव क्रिस्टल का मतलब ये है वो पदार्थ जिनमें कि क्रिस्टलों के समान भी गुण पाए जा रहे हैं और जिनमें द्रवों के समान भी गुण पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं यदि हम उनको गर्म करें तो गर्म करने से पहले तो वो ठोसों के समान गुण दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम उनको गर्म करेंगे तो उनकी कुछ ऐसी स्टेट्स हमें मिलती हैं जबकि वो प्रॉपरली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है जिनमें कि वो प्रॉपरली क्रिस्टल से तो टूटे नहीं है और द्रव में वो कन्वर्ट पूरे हुए नहीं है। तो इन अवस्थाओं में द्रवों और ठोसों दोनों के समान गुण पाए जाएंगे, यानी क्रिस्टलों के समान, दोनों के समान ही उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब इनको नोमेनक्लेचर जो दिया गया है, इनका नामकरण किया गया है द्रव क्रिस्टल। अब अगर हम किसी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को गर्म करते हैं बच्चों, यदि हम किसी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं, हमें पता है कि उससे तो सीधा का सीधा द्रव अवस्था हमें प्राप्त होती है और जिस ताप के ऊपर वो गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, वो उन क्रिस्टलीय पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उनका गलनांक बिंदु होता है ना। क्योंकि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ बर्नल स्कोट सिद्धांत ने भी ये समझाया है हमें कि वो एक निश्चित बिंदु पर पूरे ही मेल्ट हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं द्रव क्रिस्टलों की। अगर मान लीजिए हमने ऐसा कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया जिस जो कि गर्म करने से पहले तो उसमें ठोसों के समान गुण पाए जा रहे थे, वो ठोस था, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो उनको गर्म करने पर वो सीधा द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसकी कोई ऐसी अवस्थाएं हमें मिलती हैं जिनमें कि पारदर्शिता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं लिए हुए। क्योंकि अगर कोई ठोस मेल्ट होके शुद्ध द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो वो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था अपनी प्योर लिक्विड स्टेट ट्रांसपेरेंट इन नेचर होगी। तो यहाँ पर यदि वो सब्सटेंसेस जो कि गर्म करने पर सीधा द्रव में कन्वर्ट नहीं होती और उनके अंदर कुछ माध्यमिक अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं मीजोमॉर्फिक स्टेट्स, इनको हम कहते हैं माध्यमिक अवस्थाएं। इन माध्यमिक अवस्थाओं को हमने कहा है द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, और ये नोमेनक्लेचर इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी इनके प्रकाशित गुण और इनके अंदर पाए जाने वाली व्यवस्था, अणुओं की जो व्यवस्था है उनके आधार पे इनका नाम द्रव क्रिस्टल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दी नेचर इनके तीन प्रकार हमको प्राप्त होते हैं। सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ये ग्रीक वर्ड्स है बच्चों। सिमेटिक मतलब होता है सोप लाइक, मतलब साबुन के समान, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी साबुन जैसी है। अपन इनको जब लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें समझाऊंगी। फर्स्ट टाइप है सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सेकेंड टाइप है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। निमेटिक ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड मीन्स थ्रेड लाइक, ये भी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है धागे नुमा संरचना। और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल इज थर्ड टाइप, जिसका मतलब होता है मिश्रित गुण वाला, मिश्रित द्रव क्रिस्टल। ये तीन प्रकार के द्रव क्रिस्टल हमें किसी ठोस को गर्म करने पर यदि द्रव अवस्था प्राप्त ना हो और माध्यमिक अवस्था मिलेगी तो ये तीन प्रकार की माध्यमिक अवस्था मिलेगी। अब किस प्रकार से ये देखो होगा क्या, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पदार्थ हमारा द्रव क्रिस्टल की नेचर रख रहा है, क्योंकि जिस ताप के ऊपर ये अवस्थाएं मिलती हैं वो ताप ऑब्वियसली उस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वो होगा उस पदार्थ का संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि अभी वो पूरी अवस्था परिवर्तित नहीं हुई है, एक ही अवस्था के विभिन्न रूप हमें एक निश्चित ताप पे मिल रहे हैं देखने को, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यानी कि जब ठोस को गर्म करोगे और एक ताप निश्चित ताप के ऊपर हमें ये विभिन्न अवस्थाएं द्रव क्रिस्टलों की सिमेटिक, निमेटिक और कोलेस्ट्रिक दिखाई दे रही हैं, वो ताप होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होगी कि जब हमको ये माध्यमिक अवस्थाएं
टर्बिडिटी उसमें प्रेजेंट होगी, उसके अंदर धुंधलापन होगा, है ना, आविलता जिसको हम कहते हैं, वहां पे धुंधला द्रव हमें प्राप्त होगा, मतलब अभी उसका प्योर मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचा है। जब हम इस टर्बिड लिक्विड को यानी कि लिक्विड क्रिस्टल्स को फर्दर गर्म करेंगे, आगे गर्म करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल, उस सब्सटेंस का वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब किस प्रकार से हमको ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, मतलब इनमें से कौन सी अवस्था हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी, कौन सी बाद में देखने को मिलेगी, वो देखिए बच्चों, जब हम किसी इस प्रकार के ठोस को गर्म करें जिसमें कि द्रव क्रिस्टलों के गुण पाए जा रहे हैं, तो जब आप किसी ठोस को गर्म करते हो तो सबसे पहले हमें जो अवस्था देखने को मिलती है वो होगी सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ द एटम मॉलिक्यूल और आयन, यानी कि इसके गुणों के आधार पे और इसमें व्यवस्थित अणु परमाणु आयन की अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे पहले जो अवस्था मिलेगी वो सिमेट्रिक होगी। फर्दर और अगर अपन देखेंगे इसमें होने वाला चेंज, उस वक्त वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, बट अपन दे रहे हैं टेम्परेचर, तो सिमेट्रिक के बाद में हमें क्या दिखाई देगा, मिश्रित गुणों वाला अवस्था यानी कि कोलेस्टिक द्रव क्रिस्टल। उसके बाद में जस्ट जब वो सॉलिड अबाउट टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट होता है, तो जस्ट बिफोर द प्योर लिक्विड स्टेट जो अवस्था हमें मिलेगी वो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होगी। देखो मैंने नंबर डाले हुए कि फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल वी ऑब्टेन विल बी सिमेटिक, सेकेंड विल बी कोलेस्टेरिक एंड थर्ड विल बी निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एंड देन वी ऑब्टेन द लिक्विड स्टेट, उसके बाद हमें शुद्ध द्रव अवस्था प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हमको एक चीज समझनी जरूरी है बच्चों कि हर ठोस को गर्म करने पर जरूरी नहीं है कि उसमें ये टर्बिडिटी हमको मिले, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आते ही मेल्ट हो जाएंगे, है ना, वो शुद्ध द्रव में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस की बात हो रही है जो कि निश्चित गुणों वाले कुछ पदार्थ हैं ठोस जिनमें कि ये गुण पाया जाएगा, और ये कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज दी गई है कि किस तरह के पदार्थ ये द्रव क्रिस्टलों का गुण रखते हैं, तो बच्चों देखो पहली कंडीशन है कि लॉन्ग कार्बन चेन होनी चाहिए, कार्बन की श्रृंखला लंबी होनी चाहिए, है ना, मोर देन 10 कार्बन एटम्स मतलब उसमें मिनिमम होने चाहिए। दूसरी बात, एक तो लंबी कार्बन श्रृंखला हो, दूसरा उसमें फंक्शनल ग्रुप, अगर टर्मिनस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन पर, तो या तो वो इथर का होगा ओआर, या वो एस्टर हो सकता है C-OR, अगर वो टर्मिनस पे है बिल्कुल एंड कार्बन चेन की एंड में अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो या तो इथर हो या एस्टर हो, और अगर बिटवीन द चेन है, अगर कार्बन चेन के मध्य में कोई ग्रुप हो, कोई क्रियात्मक समूह हो, तो वो किस तरह के ग्रुप होने चाहिए, या तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए असंतृप्तता वाले, कार्बन डबल बॉन्ड एन, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसकी स्ट्रक्चर एन डबल बॉन्ड NO होती है, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि अपना इथीन मॉलिक्यूल है, मतलब कि उसके बिटवीन द चेन अनसेचुरेशन होना चाहिए, वो वाले सब्सटेंसेस द्रव क्रिस्टलों जैसा गुण रखते हैं। दूसरी बात क्या चाहिए इसके अंदर, कि जब आप इस प्रकार के किसी ठोस को गर्म करोगे तो जिस टेम्परेचर के ऊपर हमें टर्बिडिटी दिख रही है, जिसको हम संक्रमण ताप कह रहे हैं, और जिस टेम्परेचर पे वो प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में कम डिफरेंस हो, प्लस ये प्रॉपर्टी अगर उस सब्सटेंस में है तो वो सभी पदार्थ हमें द्रव क्रिस्टलों का गुण दिखाएंगे, वो सभी सब्सटेंसेस हमें लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी जिस सब्सटेंस में ये हुई थी 1988 में हुई थी, वो था पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट, कोलेस्ट्रॉल जो है उसका एस्टर होता है, बेंजोएट को हम बोलते हैं ना बच्चों एस्टर होता है, ये पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट में सबसे पहले हमें इसके लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को देखने को मिला था। इसके अंदर देखिए बच्चों क्या है, कार्बन की 27 कार्बन की चेन है, तो लॉन्ग कार्बन चेन है, ग्रुप कौन सा है हमारे पास, एस्टर ग्रुप है, तो ये जो चेन है इसको जब अपन ने गर्म करके देखा
क्योंकि ठोस था, इसको हमने गर्म करके देखा तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टर्बिड हो गया, ये क्लियर नहीं मिला, ये टर्बिड हो गया। और जब इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर हमें इसकी मेसोमॉर्फिक स्टेट्स दिखाई थी, इसकी माध्यमिक अवस्थाएं हमें दिखाई थी, यानी इसके अंदर हमको द्रव लिक्विड क्रिस्टल्स की कैरेक्टरिस्टिक दिखे, यानी पैराकोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के अंदर हमें लिक्विड क्रिस्टल्स के नेचर दिखाई दे रही थी। इनको हमने और गर्म करके देखा तो 145 के बाद 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और आप क्या देख रहे हो, देखो बच्चों 145 और 178 डिग्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 145 पर वो टर्बिड लिक्विड है लेकिन 178 डिग्री पर वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मीन्स इट इज द सब्सटेंस हैविंग द नेचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये वो पदार्थ है जिसमें की लिक्विड क्रिस्टल का गुण पाया जा रहा है। अब अगर हम ये देखें कि नॉर्मल जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं ठोस, अगर हम उनको गर्म करें तो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, अगर इसका हम और फर्दर गर्म करेंगे तो वाष्पित हो जाएंगे। इनके अगर हम वाष्पदाब और तापों के कर्व देखें तो हमें सिंपल दिखता है, ठोस को देखो टेम्परेचर हमने लिया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वाष्पदाब वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस पहले मेल्ट होता है द्रव में, द्रव और कंटिन्यू गर्म करोगे तो वाष्प में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा ठोस अवस्था को दिखा रहा है, ये लिक्विड को दिखा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, और ठोस और द्रव दोनों के ही साथ में हमें पता है वाष्प अवस्था साम्य अवस्था में होती है। तो सामान्य क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर जो द्रव अवस्था प्राप्त हो रही है उसका कर्व इस प्रकार का मिलता है। लेकिन अगर कोई पदार्थ लिक्विड क्रिस्टल जैसा नेचर रखे हुए है तो कैसा दिखाई देगा आपको बच्चों, सॉलिड से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हमने बोला कि वो माध्यमिक अवस्था रखे हुए है, तो पहले सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल बन रहे थे और लिक्विड क्रिस्टल को जब हम फर्दर गर्म कर रहे हैं तब लिक्विड मिल रहा है, यानी इस टेम्परेचर में और इस टेम्परेचर में डिफरेंस है, चाहे वो ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन वो अंतर होना चाहिए। और क्योंकि हर पदार्थ की वाष्पीय अवस्था के साथ साम्य अवस्था है तो लिक्विड क्रिस्टल का वाष्पदाब और तापीय वक्र के बीच में द्रव क्रिस्टलों का भी भाग, उसका भी एरिया निश्चित होता है। ये जो द्रव क्रिस्टल होते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, सबसे पहले गर्म करने पर अभी हमने बोला कि सिमेटिक द्रव क्रिस्टल मिलेगा, उसके बाद में कॉलेस्टिक और निमेटिक, मतलब तीन प्रकार के द्रव क्रिस्टल हैं, यानी मेसोमॉर्फिक स्टेट्स ये तीनों प्रकार की पाई जाती हैं। तो बच्चों इन तीनों प्रकार के ही लिक्विड क्रिस्टल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इनमें किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होंगी, इनमें किस प्रकार के गुण होंगे। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।